डैशबोर्ड हम बनाने वाले हैं अपने रिपोर्ट से। तो यहाँ हम एक एक्सेल रिपोर्ट, यहाँ पे एक्सेल डेटाबेस यूज ले सकते हैं हम। तो अब लेते हैं सर, एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा स्लो करना है। ठीक, कल का आपका वीडियो देख रहा था, मेरे को 3 से 4 बार वीडियो अप एंड डाउन अप एंड डाउन करते मेरे को देखना पड़ा। इतना मेरे हिसाब से तो फास्ट ही है, क्योंकि मैं एक तो प्रैक्टिस भी करना ऊपर देती हूँ, तो थोड़ा कुछ समझ में आने बट इतना नहीं है, तो मैं ना बता कर समझ रहा हूँ। तो डेटा लोड कर दिया। अब कंसेप्ट को समझिए कि मैंने डेटा लोड कर दिया। अब डेटा लोड करने का स्टेप हर बार जानने की क्या जरूरत है, आपको पता ही है कैसे डेटा लोड होता है। स्क्रीन नहीं दिख रही है, मतलब प्रॉपर नहीं दिख रही है, वर्ड में दिख रहा है, इंग्लिश में दिख रहा है, तो एक्चुअल वो वर्ड दिख रहा है, वो दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है, देखो ना, अच्छा ठीक है सर, ठीक। और हो सकता है तो ठीक है। हाँ, हमने डेटा कनेक्ट कर दिया, राइट। तो बेसिकली रिपोर्ट को मैं जरा कुछ भी चाहता हूँ, मैं अपना रिपोर्ट चाहता हूँ। रिपोर्ट में चार कैटेगरी है। यहाँ आपको जो मैंने इमेज भेजा है उस इमेज को देखेंगे आप, इसमें क्या है, चार कैटेगरी। पहली कैटेगरी है कि सेल्स बाय सब कैटेगरी देख रहा है, उसके बाद सेल्स सेल्स का डेटा है यहाँ पे, ठीक है ना। सेल्स बाय मंथ है, मंथ है सेल्स प्रॉफिट, सेल्स बाय मंथ है, दो चीजों का यहाँ पे मिक्सअप देख रहा है। और साथ में यहाँ कई सारे फिल्टर्स है, ठीक है। हाँ सर, सही। तो चार अलग अलग कैटेगरी है जहां पर इसका यूज किया हुआ है। अब चलिए इसका भी यूज हम करते हैं, ओके। तो सबसे पहले, अब सबसे पहले मैं यहां पे अपना ये लेता हूं पाई चार्ट, ठीक है। पाई चार्ट के अंदर हम इसको, पाई चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करें, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मेरा प्रोडक्ट वाइज मुझे टोटल प्रॉफिट, ठीक है, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट आ गया। देन मैं यहां पे टेबल लेता हूं, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, इनको बॉर्डर यहाँ पे फॉर्मेट में आके इसको बॉर्डर दे देता हूँ, ताकि बॉर्डर रहेगा। तो जनरल में इफेक्ट, इफेक्ट में विजुअल बॉर्डर, ठीक है। और इसको, अरे बॉर्डर लाइनिंग दे दिया मैंने, लाइनिंग ने तो बताया था आपको कि किसी भी जिसकी बॉर्डर देना चाहते हो उस पर क्लिक कीजिए, उसके फॉर्मेट में आइए, उसकी जनरल वाले में जाइए, उसके इफेक्ट में आइए, और यहां से बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए, विजुअल बॉर्डर, जैसे मैं इस पे कर रहा हूँ, इस पे क्लिक, इस पे ही दूंगा मैं। अब इसमें क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना फिल रख रहा हूँ, टेबल है मेरा, तो फिल, तो इसमें मुझे समरी डेट वाइज चाहिए, ठीक है ना। तो हमने डेट को रखा, डेट कुछ इस तरह से आ रहा है ना सर, ईयर मंथ क्वार्टर डे, तीनों को इसे सेपरेट कर दिया, इसको बोलते हैं हेरिकल, क्या बोलते हैं, हेरिकल। जब भी डेट रखेंगे तो डेट कुछ इसी तरह से हो जाए। अब इस तरह से रखना है, दैट्स गुड। नहीं रखना है तो डेट के सामने एक ड्रॉप डाउन दिखेगा, ठीक है ना, इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे डेट हेरिकल जिस पे क्लिक हो, उसके जगह पे इस डेट पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। अब डेटा में आइए, डेटा में डेट कुछ इस तरह से है, मुझे इस तरह का डेट नहीं चाहिए, तो यहां से डेट का फॉर्मेट चेंज कर दीजिए, क्योंकि यहां आप देख पा रहे हैं कि डेट कुछ इस तरह से वेनसडे जनवरी 1, 2030 दिख रहा है, तो मुझे सिंपल डेट, जैसे हम ऑफिस में डेट डेट रखते हैं वैसा डेट चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेटिंग का कोई सिस्टम नहीं है, तो हमें डेटा को फॉर्मेट करना होगा। तो डेटा में जो फॉर्मेट दिख रहा है आपको, डेटा में कैसे गए, टेबल पे क्लिक करके डेटा में चले गए, और हमने कॉलम को पे क्लिक सेलेक्ट क्लिक किया, कॉलम क्लिक करना जरूरी है,
और यहां से हमने अपना सिंपल डेट ले लिया, जैसे ये रहा, और जैसे लिया तो यहां डेटा में भी हमारा सिंपल डेटा आ गया। अब इसके अंदर मैं अपने रखता हूं कि मुझे यहां पे इसको थोड़ा सा मैट्रिक्स में, मुझे टेबल नहीं मुझे मैट्रिक्स चाहिए, तो मैंने मैट्रिक्स पे क्लिक कर दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे यहां पे अपने अलग अलग एसओ का सेल चाहिए, तो मैंने एसओ का यहां कॉलम में और फिर उनकी मैंने मेरा रिपोर्ट प्रॉफिट बेस है, मैं प्रॉफिट देखना चाहता हूँ, प्रॉफिट बेस है, ठीक है ना, तो प्रॉफिट हमने रख दिया, हर किसी का ये प्रॉफिट यहाँ पे आ गया, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अब इसको भी बॉर्डर कर देता हूँ सेम उसी तरह से, विजुअल जर्नल इफेक्ट एंड यहां से विजुअल एज ए बॉर्डर। अब ये थोड़ा सा बॉर्डर को यहाँ पे छोटा करना होगा क्योंकि टच टच नहीं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे भी एक चाहिए, वो चाहिए मुझे कंपेयर करना है बिटवीन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बाई मंथ, ठीक है। तो मैं यहां से ए वाला ए जो चार्ट दिख रहा है, ए वाला ए वाली चार्ट, ए वाला कॉलम स्टैक चार्ट, क्योंकि मुझे दो अलग अलग लाइन नहीं चाहिए। अब इस पे मैंने रखा अपनी अमाउंट को, फिर रखा अपनी प्रॉफिट को, दिख गया सर, बाय मंथ। देखिए मेरे पास ऑलरेडी मंथ निकला होगा, अगर मैं मंथ पर रखता हूं तो ये जून जुलाई अगस्त सितंबर कुछ इस तरह से आए, क्योंकि वो शॉर्टेज जो टेक्स्ट में नहीं होगा, मुझे शॉर्टेज चाहिए जैन फेब के अकॉर्डिंग, सो मैं डेट को रखता हूं एक्सेस में, डेट रखते ही हेरिकल हो जाता है, इसमें से मैं ईयर हटा दिया, मुझे इसमें से क्वार्टर हटा दिया, डे हटा दिया, तो क्या बचेगा, मंथ ही बचेगा ना सर, मंथ बचेगा। अब इसकी हाँ, अब इस पे हम आएंगे इसकी जनरल पे इफेक्ट और बॉर्डर ऑन कर देंगे और इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ठीक है। अब यहां पे मुझे स्लाइसर चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, स्लाइसर चाहिए। तो अगर मैं नॉर्मली स्लाइसर को लू तो क्या स्लाइसर में मैं दो फील्ड रख सकता हूं, जैसे एक फील्ड रखा इसमें एक और फील्ड, मुझे मान लीजिए प्रोडक्ट है, मैं इसमें एक और फील्ड जो है एसओ इसको रखना चाहता हूँ स्टोर को, तो नहीं, दो फील्ड यहाँ पे लिया लेकिन ये एक ही फील्ड शो कर रहा है, फोकस मोड पे आते हैं, एक मिनट, ये तो एस, अब यहाँ पे आते हैं इसकी स्लाइसर सेटिंग वर्टिकल लिस्ट, सही है सिलेक्शन, शो सिलेक्ट ऑल, एक सिलेक्ट ऑल होगा तो सही रहेगा, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल होता है, ठीक है सर, हेरिकल, नहीं तो इस तरह से आ गए, उसके मेन कैटेगरी में से उसका सब कैटेगरी में होता है, हाँ लेकिन मुझे अलग अलग चाहिए ना, हाँ मतलब बाद के अकॉर्डिंग में चाहिए ना, मतलब आप जैसे अपने वो एक्शन में क्लासिक फाइवर में करता है वैसे, और जिस तो, में अगर डिवाइड होता है हाँ हाँ तो ये चीज यहाँ से नहीं होगा, लाइसेंस सेटिंग में अगर हम आते हैं तो ऐसा कोई ऑप्शन
वही ऑप्शन से। स्लाइसर दूसरा चलिए आपको, आप कहते हैं ना दूसरा वाला स्लाइसर भी लेके देखते हैं। इसको हटाता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। दूसरा वाला स्लाइसर है फिल्टर स्लाइसर, न्यू स्लाइसर न्यू, उसको रखते हैं। उसमें मैं, इसमें मैंने अपना प्रोडक्ट रखा, इसमें मुझे स्टोर रखा। नहीं, यहाँ पे एक ही हो सकता है, इसमें एक ही ले सकते हैं, इसमें भी एक ही स्लाइसर होगा। यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे आता है स्लाइसर सेटिंग, बट इसमें स्लाइसर सेटिंग में ऑप्शन है ही नहीं, मतलब इस स्लाइसर के अंदर में सिर्फ एक ही ले सकते हैं आप, एक ही कॉलम ले सकते हैं, दो कॉलम नहीं ले सकते। ठीक है, दो कॉलम नहीं ले सकते। अब यहाँ पे प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे फंस गया। ठीक है, तो प्रॉब्लम जो फंसते हैं तो हम चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं क्या? मैंने को पायलट, चैट जीपीटी को पायलट ओपन किया है। और व्हीकल पार्ट है मतलब नहीं, ये एआई है। ओके, तो ये तो मेरे में नहीं होगा। पर यहाँ एक एक मिनट, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ आपको दिखता है गेट मोर विजुअल, ठीक है ना? गेट मोर विजुअल में क्या होता है कि आप कुछ नए स्लाइसर ऐड कर सकते हैं। ओके, ये देखता हूँ ये स्लाइसर कौन सा है। कुछ नए विजुअल से कुछ कई ऐसी रिक्वायरमेंट आपकी आ गई जो रिक्वायरमेंट में आपका ये फिट नहीं बैठ। कुछ नहीं, मैं ऑफिस में अभी अभी मेरा अभी मैं तो प्रैक्टिस ही नहीं करता। ओके, अभी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगा, फिर धीरे-धीरे कल से मैंने थोड़ा कुछ सीखा है। ठीक है, हाँ, मतलब कि मैं ओके। देखिए, प्रॉब्लम आएगी तो करना पड़ेगा ना सर, ना सर? अभी जब आप और रिपोर्ट, ऑफिस का रिपोर्ट बनाने जाएंगे तो जो बॉस है ना, वो बॉस ही बोलेंगे यार गुरमंत ये ऐसा होना चाहिए, गुरमंत यार इसमें ये हो परफेक्ट सकता है। है, मतलब वो बता आएंगे और मैं एक्शन करूंगा और मैं फिर सॉल्यूशन लगा सकूं, उसका उत्तर मेरे को आना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, बट मैं प्रैक्टिस नहीं हाँ करता क्योंकि ये मैं समझ आई में इससे इसकी पहली चीज नहीं करूंगा। इससे ये देखिए, ये सही है, ये दिख रहा है, दो लाइनें हैं यहाँ पे, दिख रहा है आपको? तो एक बार तो मैं इस, सीखूंगा ना सर अभी आप धीरे धीरे। हाँ मैं बोल दूंगा सर आपको जाके, सर मेरे को मैक्सिमम टाइम मिले उतना टाइम दो। जी बहुत बेक हो गया हूँ मैं, 2 तारीख से स्टार्ट हुआ, आज 20 दिन हो गए। और इस पे मैं रखता हूं अपना स्टोर, और मैं रखता हूं अपना प्रोडक्ट फिल्टर सेट ड्रॉप डाउन, फिल्टर नहीं सर्च नहीं हरिकल, हरिकल तो वही है जो पहले था। अब जो मतलब वहां से एएमए से अपने एल के इसमें हाँ ऑन डी एल सर। जी
इसका, हाँ बट इसका इस मोड आ गया यहाँ पे रेफरेंस कलर ये AI मतलब इसका दूसरा सब सॉफ्टवेयर है वो परचेज करना मतलब नहीं। हाँ ये परचेज, ये फ्री है लेकिन कुछ परचेज करना पड़ेगा। मैं हमने डाउनलोड कर लिए, कैसे मोबाइल में कैसे होता है कि ऐप डाउनलोड कर लेता है जरूरत के हिसाब से, तो ओके तो ये जरूरत के हिसाब से ऐप ये कौन डाउनलोड सा है किया। मतलब तो अभी फिलहाल जो है ना इसको, अभी आप इसको कंफ्यूज हो रहे हैं इसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। हाँ जब भी परफेक्ट आ जाएगा उसके बाद देखेंगे हाँ तो इसको जैसे मैं, जैसे क्वेरी फिर तो नहीं हाँ जैसे जैसे मेरे को बस इतनी क्वेरी हो ये भी पूरा अपने आप से लगभग ठीक जी है अच्छा ठीक, यहां से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अभी क्या कर रहा हूं मैं कि हमारे पास ऊपर में मोर विजुअल पे जब, यहाँ पे सॉरी, जब इंसर्ट पे जाते हैं ना, तो ये आपके इंसर्ट के अंदर में ये आपके सैप्स आ जाए, क्या आता है सैप्स। सेम अभी सैप को लीजिए और यहाँ पे डिजाइन लिखिए। अब सैप्स के अंदर ये आपका आता है जनरल इफेक्ट, और इफेक्ट में बैकग्राउंड ऑन करके इसकी 100% कर दी, एक मिनट सर, स्टाइल इसको हर ट्रांसग्रेसिव कर दीजिए 100%, 81% हुआ 100%। तो इसे क्या हुआ, ठीक ओके है सर, ओके समझे ना। तो हमें तो यही चाहिए ना, बॉक्स बॉक्स ही चाहिए ना सर। लर्न और बॉर्डर को, हाँ यहाँ बॉर्डर को ब्लैंक कर दीजिए, तो बस ये कर दिए ब्लैक हो गया, दूसरा महीना सेम टू आ गया। अब वैसे इसके ऊपर अब क्या कीजिए, अब आइए विजुलाइजेशन में, अब स्लाइसर में, अब स्लाइसर को इसके ऊपर प्लेस कर दीजिए। इसके ऊपर मैंने डाल दिया अपना प्रोडक्ट, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। देन मैं वापस आता हूं, यहां पे एक और स्लाइसर लेता हूं, इसके बगल में डालता हूं, और इसमें लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट हो गया, लिस्ट ऑफ स्टोर, लिस्ट ऑफ स्टोर आ गया, स्टोर 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 जैसे, हाँ लिस्ट ऑफ स्टोर डाल दिया, ठीक है। एक और स्लाइसर लिया, मैं बाहर कहीं क्लिक कीजिए, हाँ यहां से स्लाइसर लीजिए यहां पे, और इसमें डाल दीजिए ईयर, यहां पे ईयर को क्या कर दीजिए स्लाइसर सेटिंग में ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन है लिस्ट लिस्ट वर्टिकल लिस्ट, ठीक है हो गया सर। अब यहां पे एक्सेल को सिलेक्ट किया, पूरा रिपोर्ट एक्सेल का आ गया, इन द एक्सेस दिल्ली का क्लिक किया, दिल्ली का रिपोर्ट आ गया, इन द दिल्ली 2023 चाहिए, 2023 का रिपोर्ट आ गया, है ना सर। ओके हाँ बढ़िया बढ़िया अब इस पे क्लिक करते हैं, तो आप क्या करें इसको इसमें बाहर क्लिक करें, अब इसमें दिक्कत हो रही है ना, क्लिक हो जा रहा है, तो इसको क्लिक कीजिए, कंट्रोल दबा के इसको क्लिक कीजिए, अगेन कंट्रोल दबा के इसको क्लिक कीजिए, और कंट्रोल दबा के जो बाहर है इसको क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद क्या कर दीजिए, इसको ग्रुप कर दीजिए, ठीक है। क्या कर दीजिए लास्ट में क्या बोला ग्रुप ग्रुप इसको राइट क्लिक कीजिए ना यहाँ पे, और यहाँ पे ग्रुप ग्रुप कर दीजिएगा ना, तो ये सब एक हो जाएगा, बाद में यदि इस पे क्लिक किया तो हट दिन यहाँ हट जाता था, उसे हटेगा नहीं, ग्रुप हो गया तो सब एक। वन बाय वन करना एक कोई डिलीट हाँ करना मैं आप हिलेगा नहीं ना, इन्वेस्टर हिलेगा तो पूरा हिलेगा यहाँ पे, पूरा हिलेगा इस ग्रुप की, ठीक बराबर है ना। कैसे करना है, डन इसको क्लिक कीजिए, इस कंट्रोल दबा के इसको कीजिए, इसे क्लिक क्लिक कीजिए, करके ग्रुप इसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए ग्रुप, और यहाँ पे ग्रुप में ओके ओके ओके
ठीक है, इथिनो और इसमें एक में अभी दूसरे में क्लिक करो तो कैंसिल हो एक्सेस में जगह पे छोड़ दिया। हाँ ठीक है, अरे सब कुछ रहे ठीक है। मतलब आप प्रोडक्ट में जहाँ पे क्लिक करोगे तो प्रोडक्ट ही आएगा, स्टोर करोगे तो स्टोर वाला ही आएगा, जैसे जैसे क्लिक करते रहे तो वैसे सारी जो भी डिस्कवर मतलब जो भी अपनी प्रोडक्ट का ये स्टोर देखने हैं जी बिल्कुल क्या है प्रॉफिट जी कंटिन्यू डालिए ना आपने नहीं प्रॉफिट डाल प्रॉफिट डाल क्या तो प्रॉफिट सेम, हम देख सकते सेम हैं। डेटा पे खुद बनाइए ठीक है सर। ठीक है सर, इसका इसका रेमो इसका मिलेगा क्या मुझे रेमो ये क्या हाँ रिकॉर्डिंग देता हूँ।